आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपट्टी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। दोनों का शव बंद कमरे में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी गांव निवासी राम सरीक उम्र 28 वर्ष पुत्र स्वर्गीय जयराम निषाद की शादी बीते 27 अप्रैल 2024 को गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के पीपर ताड़ी गांव निवासी संजू के साथ हुई थी। जब से शादी हुई थी तब से पति पत्नी आपस में बड़े ही सामंजस्य के साथ रहते थे। भतीजी चांदी उम्र लगभग 10 वर्ष अपने चाचा के कमरे में गई और दरवाजा खोला तो चाची बेड पर सोई थी और चाचा छत के पंखे पर दुपट्टे के सहारे लटके हुए थे। ये मंजर देखकर उसने शोर मचाया तो परिजन मौके पर जुट गए और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों पति पत्नी मृत पड़े थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पगड़ी सगड़ी शुभम तोदी सहित रौनापार थाना अध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। आज दिनांक 17 जुलाई 2024 को थाना रौनापार पर सुबह लगभग 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि दोनों पति पत्नी ने गांव चांदपट्टी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल थाना रौनापार की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर सीओ सगड़ी एवं फील्ड यूनिट को भी भेजा गया। दोनों की बॉडी को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ससुराल पक्ष से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और मायके पक्ष को, लड़की के मायके पक्ष को सूचित कर दिया गया है। उनसे जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जांच में पता चला है कि इनकी लगभग 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। आपस में घरेलू विवाद को लेकर विवाद होता रहता था, घरेलू बात को लेकर जिसी से परेशान होकर इन दोनों ने ये कदम उठाया है। सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी सूचना प्राप्त होगी, साक्ष्य प्राप्त होंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।